हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और एपिसोड में। तो भाई इस समय हम चौपता पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं चौपता की पार्किंग है भाई, सारी गाड़ियां यहीं पे आकर रुकती है। हमने अपनी बाइक यहीं पे पार्क कर दी है और भाई 50 रुपये का रेनकोट लेके सामान अपने बाइक पे ही छोड़ के इस बार खाली ऐसे ही चढ़ेंगे, क्योंकि भाई पैरों की बैंड बजी पड़ी है और एनर्जी भी बहुत वेस्ट होगी, तो इस वजह से इस बार कोई सामान कैरी कर नहीं रहे हैं। बाकी भाई एक ये भी आपकी एंट्रेंस है चौपता की स्टार्टिंग के लिए, एक मेन गेट वो भी है, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो भाई हर हर महादेव बोल के हम इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो भाई ये है तुंगनाथ की चढ़ाई का स्टार्टिंग गेट, तो हर हर महादेव। तो भाइयों तुंगनाथ महादेव मंदिर की चढ़ाई शुरू कर दी है, रास्ता भी सही काफी चढ़ा है, अब देखते हैं आगे आगे कैसा होगा। भाइयों अभी तक हम ऊपर तुंगनाथ मंदिर के लिए भाई 600-700 मीटर मुश्किल से आए होंगे और अभी से भाई हाँफने लगे हैं, थकान होने लगी है। थकान भी नहीं, सांस भी नहीं चढ़ रही भाई। एक तो यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ है भाई, ठंडी हवा एकदम सिर में दर्द करने वाली। तो भाई अपना जब भी कभी आओ तो भाई टोपे ओपे का या मफलर वफलर कुछ ना कुछ जरूर कैरी करो, क्योंकि भाई बहुत ही ठंडी हवा है और भाई बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की। अब तो क्या रुकी है पर अभी काफ़ी तेज़ पड़ रही थी। अपने हम तो भाई रेनकोट वगैरह पहन के फिट हैं। बाकी ये रास्ता है ऐसे घूमते घूमते ऐसे, और वो देखो वो बैठा भाई हमारा हमारा पार्टनर भाई चौपता का सिर्फ तक अब तक 1 किलोमीटर से ज़्यादा हमने ट्रैक कवर कर ली होगी भाई। अभी हमने दूसरा शॉर्टकट लिया है, काफ़ी लंबा स्ट्रेच था, अभी बस थोड़ा सा रह गया है। तो भाई अगर आपके पैरों में दम हो तो ही जाके ये शॉर्टकट लें। तुंगनाथ महादेव का मंदिर बस थोड़ी सी दूरी पे है, बस ये थोड़ा सा ट्रैक हो रहा है, फिर महादेव के दर्शन होंगे। बाकी भाई आप व्यू चेक करो, क्या मनमोहक पहाड़ियों की चोटी भाई साहब का जाओ है सामने की दाना वाली पहाड़ी भाई, ये तो नहीं हो सकता है भाई। हाँ है भाई है, उसके पीछे ग्लेशियर भी तो है यार। सो भाई फाइनली तुंगनाथ महादेव मंदिर पहुंचने वाले हैं भाई, और इस ट्रैक में भाई आप खच्चर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। खच्चर का जो आने जाने का किराया है वो 1300 रुपये है, और अगर आप नीचे से ही एक तरफ का करना चाहते हैं तो 900 रुपये चार्ज है भाई। बाकी भाई ये मनमोहक दृश्य देखो भाई, क्या बेहतरीन नज़ारा, पर फिल्टर पड़ चुके हैं भाई इस समय, पैर बोल गए हैं भाई। फाइनली तुंगनाथ महादेव के मंदिर भाई पहुंच चुके हैं, बस ये छोटा सा शॉर्टकट का स्ट्रेच रह गया है, तो भाई इसको कंप्लीट करके आपको भी और ख़ुद भी दर्शन करते हैं भगवान श्री तुंगनाथ महादेव जी के। तो भाई काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि भाई दूसरी अचीवमेंट कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि भाई हमारे ग्रुप में से एक मेम्बर जो है बीच में से ही भाग गया भाई, उसकी बैंड बज गई थी। बाकी भाई मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पंचकेदार भाई एक साथ इकट्ठे ना करें, क्योंकि भाई हल्की ट्रैक नहीं है, बहुत कैडी बात बैठ जाती है भाई। अभी तो हमारे पैर साथ दे रहे हैं तो जितना खींच रहे हैं। अभी रुद्रनाथ की भाई सबसे कठिन ट्रैक वो रह चुकी है। बाकी कि आप व्यूज़ का भाई इंजॉय लो, देखो भाई इधर की साइड भाई केदारनाथ पड़ता है, और अगर यहाँ से पहाड़ी टू पहाड़ी देखें तो ज़्यादा दूर नहीं है भाई। तो चलो भाई अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से मंदिर में पहुँचते हैं भाई, क्योंकि 1 बजे अभी पीछे भैया बता रहे थे कि 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं और क्या है। तो भाई तुंगनाथ महादेव मंदिर जी के लिए प्रसाद भी ले लिया अपने यहाँ से, तो आपको पूर्ण प्रसाद में भाई की वेरायटी मिल जाएंगी। ये प्लास्टिक वाला बॉक्स भैया आपको 50 रुपये का, और ये जो हमने लिया है भाई ये वाला 100 रुपये वाला है, और थैले वाला भाई आपका पड़ेगा 150 का। तो भाई प्रसाद वगैरह ले लिया यहाँ से, भाई दर्शन के लिए चलते हैं। शूज़ वगैरह ऊपर ही निकाले जाते हैं भाई, ये मंदिर का गेट है आप देख सकते हैं भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। शूज़ वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं अपने, और सामने भाई ये है तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर। हर हर महादेव भाई, मेरे साथ सभी कमेंट में लिख दो भाइयों। और भाई महादेव के साथ साथ आप महादेव की नगरी का व्यू भी दे चेक करो भाई, क्या बेहतरीन व्यू। इधर से भाई चंद्रशी लगे ट्रैक शुरू हो जाती है 1 किलोमीटर जो कि यहाँ से। भाई फाइनली अपने तुंगनाथ महादेव मंदिर के दर्शन हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं भाई, और इधर आपको यहाँ पे भाई 5 पांडवों के 1, 2, 3, 4, 5 मिल जाएंगे, और ये भैरवनाथ का भगवान का मंदिर। तो भाई तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन हो चुके हैं, अब अपना चंद्रशिला की ट्रैक शुरू करते हैं। चंद्रशिला का रास्ता भाई यहाँ से जाता है,
आपको चंद्रशिला और घुमा के लाते हैं। ऊपर भाई हनुमान जी का और शिव शंकर जी का मंदिर है और काफ़ी बढ़िया ब्यूटीफुल से नज़ारे और बढ़िया व्यूज़ हैं। तो चलते हैं भाई, इस ट्रैक को भी कवर करते हैं, 1 किलोमीटर का ट्रैक है, जल्दी से इसको खींचते हैं और फिर नीचे की तरफ भाई प्रस्थान करते हैं। पहले कुछ भाई इस दुकान पे कुछ नाश्ता, चलो भाई। तो भाई चंद्रशिला की अपने ट्रैक शुरू कर दिया है और भाई रास्ता आप देख सकते हो कैसा है, पूरा पथरीला रास्ता है और वहाँ ऊपर जाना है भाई। तो लगभग आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है। अब ये देखो आपको चंद्रशिला, आपको वहाँ पे जो झंडा ऊपर चोटी भी दिखाई दे रहा है वो देखो, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ पर तक हमें जाना है। ट्रैक का रास्ता है, ये शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट भी ले सकते हैं भाई। तो ज़्यादा देर ना करते भाई, जल्दी चलते हैं। देखो रास्ता भाई बहुत ही कठिन है यार, पथरीला रास्ता है, तो पैरों की भाई पूरी वर्जी हो जा रही है, सब हाँप रहे हैं भाई, सबको बैठ रुक रुक के चलना पड़ रहा है। तो भाई चलो जल्दी से कवर करते हैं। फाइनली भाई चंद्रशिला पे ऊपर पहुंच चुके हैं, हर हर महादेव। तो यहाँ पे दो मंदिर है, एक ये है और एक आगे है भाई, मैं भी दिखाता हूँ। तो भाई गंगा धाम जी के दर्शन कर लिए हैं, अब आगे देखते हैं कौन सा मंदिर है। तो ये गंगा धाम भाई का दर्शन करने के बाद अब आगे देखते हैं। तो भाई फाइनली अपना चंद्रशिला का ट्रैक भी पूरा हो चुका है और ये देखो भाई कहाँ से उतर गए हैं हम, कहाँ चोटी है, हम अपने नीचे की तरफ चलते हैं भाई। तो चंद्रशिला में भाई इतना ही था, बाकी भाई आप किसी को प्लान कर रहा हो तो भाई इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, कुछ ना कुछ बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए भाई ध्यान रखिए और मेरे साथ सभी भाई कमेंट में एक बार ज़रूर लिखो हर हर महादेव। भाई इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, जय श्री महाकाल।